हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों को पढ़ा था चक्रवर्ती ब्याज, कंप्लीट किया था चक्रवर्ती ब्याज। उसके दो लेक्चर किए थे, उससे पहले एसआई पढ़ा था, उससे पहले प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, और जो तीनों के चैप्टर में काम आया था वो था परसेंटेज। अगर आपने लोगों ने परसेंटेज नहीं देखा है तो प्लीज परसेंटेज को जरूर देखिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस सीआई एसआई ये सारी परसेंटेज पे पूरी तरह से आधारित है। ठीक है, तो उसके बाद अब स्टार्ट करने वाले हैं हम वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक या दो लगभग कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय। ठीक है, तो कार्य और समय में हम इस तरह समझते हैं, यानी कि वर्क एंड टाइम, कार और समय, इस तरह के क्वेश्चन कार्य और समय के आपने एग्जाम में बहुत देखे होंगे। कि कोई मान लीजिए 10 व्यक्ति या एक इसी काम को 5 दिन में करता है, बी मान लीजिए 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, या ए का काम दे रखा हो, बी का काम पूछा हो, टोटल काम दे रखा हो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक, मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, ए किसी काम को लिखा है 5 दिन में कर लेता है, ठीक, बी किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर यानी कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक, उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इसके मैं एक दो तरीके आपको बताऊंगा, सीधे सीधे एक फॉर्मूला याद रखिए पहले। ठीक है, एम वन डी वन एच वन अपॉन डब्ल्यू वन इक्वल्स टू एम टू डी टू एच टू अपॉन डब्ल्यू टू। अब यहाँ एम डी और एच और डब्ल्यू क्या है, एम वन जो है पहले व्यक्तियों की संख्या, या कितने व्यक्तियों ने पहले काम किया संख्या, यानी कि कितने व्यक्तियों ने स्टार्टिंग में काम किया। ठीक है, एम टू क्या है, बाद में जो हमसे पूछा गया या पूछा जा सकता है, सेकंड यानी कि जब दिन बदल जाएंगे या समय बदल जाएगा तो किए गए काम के व्यक्तियों की संख्या, दूसरे व्यक्तियों की संख्या। ठीक, डी क्या है, दिनों की संख्या जब पहले व्यक्ति काम करते हैं। ठीक है, दिन डी वन यहां पर दिनों की संख्या है पहले जो क्वेश्चन में दी होगी। इसी प्रकार डी टू जो है दिनों की संख्या बाद में, एच वन ये क्वेश्चन में बहुत मुश्किल से देता है, रेयरली मतलब आर्स कितने घंटों में, घंटे पहले, एच टू जो है वो घंटे जो है बाद में, कितने घंटे बाद, या फिर कितने दूसरे टाइम पर, या फिर इतने व्यक्ति, अगर पहले कोई व्यक्ति दे रखे हो, मान लीजिए 5 व्यक्ति किसी काम को इतने घंटों में या इतने दिनों में करते हैं, तो इसके लिए पहले के लिए एम वन डी वन यहाँ रखा जाएगा और एच वन यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, और जब पूछे कि 10 व्यक्ति कितने दिनों में कर लेंगे, तो कितने घंटों में कर लेंगे, तो एम टू डी टू एच टू यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, अगर वर्क समान है तो डब्ल्यू वन बराबर किया कार्य पहले, W2 बराबर किया कार्य बाद में। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अगर इनमें से कोई चीज नहीं दे रखी है तो उसको हटा देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है 5 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 4 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, मान लो M1 की वैल्यू दे रखी है कि 4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में, तो 5 व्यक्ति लिखा जाएगा पहले, 4 दिन में करते हैं, तो D1 की वैल्यू हो जाएगी 4 दिन। अगर दे रखा है घंटे नहीं है तो इसको हम भूल जाएंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा अपना M1 D1 अपॉन W1 किसी कार्य को, तो W1 को हम W मान लेते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है उसी प्रकार 10 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, तो D2 क्वेश्चन मार्क उसी कार्य को कह रहा है, तो W2 बराबर वही कार्य, तो W2 भी W हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं हम। अब यहाँ एच नहीं दे रखा, यानी घंटे आर्स नहीं दे रखे हैं, एच वन क्या है घंटे, ठीक, तो इसको हटा देंगे फॉर्मूले में से, तो एच वन एच टू हट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, फॉर्मूला एम वन डी वन अपॉन एच वन सॉरी डब्ल्यू वन
बराबर एम टू डी टू अपॉन डब्ल्यू टू। अब देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। एम वन दे रखा है अपन को पांच, तो एम की जगह पांच मल्टीप्लाई डी वन, डी वन है चार दिन अपॉन डब्ल्यू वन को हमने डब्ल्यू माना है। इसी प्रकार एम टू दे रखे हैं दस व्यक्ति, दिनों की संख्या पूछ रहा है तो डी टू को डी टू ही रहने देंगे, सेम काम है तो W यहाँ भी आएगा, W यहाँ भी, तो W2 की वैल्यू भी सेम काम के लिए W हो जाएगी जो पहले कार्य था वही। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो W से W उड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा पांच सौ बीस बटे दस बराबर डी टू, तो डी टू आ जाएगी दिनों की संख्या जो बानवे व्यक्ति करेंगे, दो दिन में वह काम कर लेंगे, यानी कि दस व्यक्ति मिलकर उसको दो दिन में कर लेंगे। ठीक, तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। इस क्वेश्चन को भी हम इस टाइप से भी कर सकते हैं, ए है पांच दिन में कर रहा है, बी दस दिन में कर सकता है। इसको हम दो तरीकों से सीखेंगे। मान लीजिए पहले ए का एक दिन का काम निकालेंगे, कितना हो जाएगा जो भी क्वेश्चन में दिया रहा है। ठीक है, एक दिन का काम, तो उसके लिए दिन दे रखे हैं उसको वन के अपॉन में ले आएंगे, तो वन अपॉन फाइव। ठीक है, तो काम का पांचवा भाग वो एक दिन में कर लेता है। ठीक है, बी का एक दिन का काम निकालेंगे, यहां दस दिन में टोटल काम कर रहा है तो एक दिन का काम आ जाएगा दसवां भाग, काम का एक दसवां भाग। अब पूछ रहा ए और बी कितने दिनों में कर लेंगे। ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम निकालिए, ए प्लस बी का एक दिन का काम बराबर जो अपने पास आएगा, ए का एक दिन का काम प्लस बी का एक दिन का काम, तो ये हो जाएगा अपने पास, इन दोनों का एलसीएम लेंगे पांच और दस का दस आएगा, यहाँ आएगा दो। ठीक है, और यहाँ आएगा दस एकम दस, तो ये आएगा तीन बटे दस, तो दोनों एक दिन में पूरा काम जो करेंगे वो होगा तीन बटे दस। ठीक है, अब पूछ रहा है कितने दिनों में करेंगे, तो दिनों के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पर जैसे दिन का उल्टा किया था तो एक दिन का काम आ गया, अब यहाँ काम का उल्टा करेंगे तो टोटल दिन आ जाएंगे, तो कुल दिन बराबर वन अपॉन ए प्लस बी का एक दिन का कार्य। समझ में आ रहा हुआ, तो लिख देंगे इसमें एक अपॉन तीन बटे दस, यानी कि एक दिन कुल दिन कितने लगेंगे उनको, दस बटे तीन, यानी कि दस बटे तीन दिन में ए और बी मिलकर उस कार्य को कर लेंगे। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको लेकिन करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उसका हम शॉर्ट ट्रिक भी सीख लेते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे ए या लिखेंगे बी, ए किसी कार्य को करता है पांच दिन में, बी को हमने माना था दस दिन में, तो दो दो मिलकर कितने दिन में करेंगे। सबसे अच्छा मेथड यही है इसका, पहले इन दोनों जितने दिन दे रखे इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के लिए सिंपल, पांच और दस का एलसीएम आएगा पांच एकम पांच, पांच दो दस दो, तो एलसीएम जो आएगा इन दोनों का आएगा दस। तो यहां से देखेंगे अब पांच का इसमें भाग देंगे दस में, तो आएगा पांच दूनी दस, ये क्या आया इसमें, मतलब ए का एक दिन का काम क्या दो भाग कर लेता है। ठीक है, इसी प्रकार बी में देखेंगे ये एक काम कर लेता है। ठीक है, काम का एक काम कर लेता है। ठीक है, टोटल काम यहां पर कितना है अपने पास दस, ये टोटल कार्य कितना है दोनों का, जो एलसीएम आता है वही टोटल कार्य है। ठीक है, एलसीएम है टोटल कार्य, हम 10 निकालते हैं। ठीक, तो 10 निकालने के बाद अब ए का जितने दिन लग रहे हैं उसका हम कार्य में भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा दो का पांच का दस में भाग देंगे तो आएगा दो कार्य। ठीक है, और बी जो कर रहा है एक दिन में वो हो रहा है एक काम। ठीक, सिंपल आ गया। तो दोनों का एक दिन का काम कितना आया, हमने निकाला था कि दोनों का एक दिन का काम बराबर कितना है, एक दिन में ए कर रहा है दो, बी कर रहा है एक, तो दो प्लस एक बराबर तीन। ठीक है, तो वो कह रहा है दोनों एक दिन में तीन काम करते हैं, तो पूछ रहा है टोटल कार्य दस है, तो टोटल कार्य करने में कितना दिन लगेगा, टोटल दिन या कुल दिन कितने लगेंगे, सिंपल टोटल कार्य बटे एक दिन में किया कार्य, कितने दिन आ गए अपने पास दिन। ये मेथड आपको आसानी से किसी भी आंसर पर पहुंचा देगा। ठीक है, तो इस मेथड से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, आगे भी यूज करेंगे इसको। ठीक है, ये मेथड आप याद रखिएगा, ये बहुत ट्रिकी मेथड है और टाइम इसमें बहुत कंज्यूम होता है। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर।
देख लेते क्वेश्चन क्या है इसमें। कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है, ए का कार्य के दिनों की संख्या दे रखी 20 दिन, बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को कर लेंगे। ठीक है, हमने वही सिंपल तरीका, ए का काम और ये बी का काम, ए के ए कितने दिनों में कर रहा है, यहाँ लिखेंगे 20 दिन और बी कितने दिनों में कर रहा है 10 दिन। ठीक है, तो इनका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 20, 20 का सीधे सीधे भाग दे देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा अपने पास 20 से कम 20 और ये आ जाएगा, ये टोटल काम आया। ठीक है, इसका काम का इसमें भाग देंगे तो एक दिन का काम इसका ही आ गया, और 10 का इसमें भाग देंगे तो बी का एक दिन का काम कितना आया, 2। ठीक है, दोनों का एक दिन का काम आ गया। अब वो कह रहे दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कार्य कितना कर रहे हैं, 1+2 यानी कि 3। तो कह रहा दोनों मिलकर कितने दिनों में, हमने अभी पढ़ा था दिन बराबर टोटल काम, टोटल काम अपने पास कितना है 20, एक दिन का काम का हम सीधे भाग देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीका है, बहुत आसानी से हम किसी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब वो क्वेश्चन पूछता है क्षमता के लिए, तो क्षमता में कुछ नहीं करना है, जो हमने दिखा लाया है, ठीक है, एक ठीक है क्षमता के लिए ये ए और ये बी, ए 20 दिन में किसी कार्य को कर रहा है, बी किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, तो क्षमता के लिए ये तो दिन हो गए, ठीक है, क्षमता के लिए कुछ नहीं, यानी एफिशिएंसी पूछे क्वेश्चन में, तो क्षमता के लिए इसकी जगह ये लिख दीजिए और इसकी जगह ये, यानी कि दिनों का रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है, क्षमता आ जाएगी। क्षमता के लिए रेशियो कितना आ गया, 10 = 10, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, 10 × 20, तो 1:2 की इनकी क्षमता आ गई, यानी कि जो कार्य वो एक दिन में कर रहे हैं वो बी जितने कार्य को दो एक दिन में कर पा रहा है ये 2 दिन में करेगा। क्षमता का मतलब होता है उसका दिनों का व्युत्क्रमानुपाति, यानी कि उनका रेसिप्रोकल। ठीक है, ए के कार्य करने की क्षमता 1 आ गई तो बी की कितनी आ गई, 2, यानी कि बी एक दिन में 2 कार्य कर लेगा, ए एक दिन में 1 कार्य करेगा। ठीक है, तो बी की यहाँ पर ज्यादा है तो क्षमता सीधे सीधे आ गई। अब इसी से अगर हम टोटल कार्य निकाले, किसी से भी निकाल सकते हैं, वही आएगा टोटल कार्य, यहाँ अपना 20 आ रहा था, यहाँ भी देख लेते हैं, दिनों में क्षमता का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही तो 20 दिन में 1 कार्य कर रहा है, एक ही क्षमता है 1, तो टोटल कार्य 20। इस तरह आप क्षमता भी निकाल सकते हैं, बी से देखें तो बी से भी यही आएगी, टोटल कार्य बी से, बी का टोटल दिन लग रहा है 10, एक दिन में कार्य 2 कर रहा है तो कुल कार्य कितना आ गया 20, तो ये क्या आ गया कुल कार्य, दोनों से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्षमता के लिए बेसिक चीज याद रखिएगा, जितने दिन है उनका उल्टा कर दीजिए, यानी दिन की जगह इसके दिन यहाँ लिख दीजिए, इसके दिन यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्षमता वाला याद रखिएगा कंसेप्ट, आगे काम आने वाला है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के प्रकार के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं M1D1 वाला। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, 12 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, उसी काम को 6 पुरुष कितने दिनों में कर लेंगे। यहाँ फॉर्मूले ऐसे रखेंगे सीधे सीधे, M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, जो पहले स्टार्टिंग में पुरुष होंगे वो महिला कुछ भी हो सकते हैं बच्चे, M1 है इतना, डेज कितने दिनों में कर रहे हैं वो 10 दिन में 12 पुरुष, M2 कितना है यहाँ पर, M2 बार में पूछ रहा 6 पुरुष कितने दिनों में कर रहे हैं, D2 की वैल्यू पूछी है, कार्य सेम है। ठीक है, तो W1 यहां भी W होगा और W2 भी W होगा। ठीक है, सीधा फॉर्मूला रखेंगे, M1D1/W1 R सैनी तो हटा देंगे, M2D2/W2, फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे सारी, M1 की वैल्यू अपने पास है बच्चों 12, D1 है अपने पास 10, कार्य वही W है, यहां कितना है M2 है 6, D2 का पूछ रहा है तो D2 पर D2 रहने देंगे, कार्य वही है तो W2 भी W हो जाएगा। हम कार्य को 1 भी मान सकते हैं या 1 मान कर सकते हैं, कार्य 1 था तो यहाँ W1 को 1 मानेंगे, W2 भी 1 हो जाएगा। ठीक है, W से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 1 कहाँ से आया, W से W उड़ा देंगे, 6 से ये 2 बार, तो अपने पास D2 आ गई वैल्यू सीधे सीधे 20 दिन। ठीक है, तो 20 दिन में 6 पुरुष उस कार्य को कर लेंगे। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 12 पुरुष 10 दिन में कर रहे हैं, यहाँ पुरुषों की संख्या आधी हो गई तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि 20 दिन। ठीक, ये है एक तरीका सिंपल इसका। दूसरा एक हमने जो बेसिक मेथड 6th-7th क्लास में सीखा हुआ वो क्या होता है, यहाँ लिखते थे हम पुरुष, यहाँ लिखते थे दिन। ठीक है, वो कह रहा 12 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं,
तो छह पुरुष कितने दिनों में, हम x मानते थे, याद आया होगा, लेकिन ये मेथड आसानी से हो जाएगा क्योंकि m1 w1 इसमें देखनी पड़ेगी, कम से ज्यादा की ओर तीर लगाते थे, जो कम होता था उसकी तरफ तीर का पूछ आती थी और जो ज्यादा वैल्यू होती थी उसकी तरफ पूछ की निशान मतलब वो आता था आगे वाला भाग, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, 12 पुरुष 10 दिन में कर रहे हैं तो 6 पुरुष, यहाँ 6 पुरुष कम हुए, ठीक है, तो इसलिए कम से ज्यादा की हो। अब इसमें देखिए दिन कैसे चेक करेंगे हम, 12 पुरुष 10 दिन में कर रहे हैं, यहाँ पुरुष कम हुए तो दिनों की संख्या ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इसको हम बढ़ाने की तरफ करेंगे, तो छोटे से बड़े की तरफ। अब क्या करते थे हम, निशान के अकॉर्डिंग, हम चिन्ह के अकॉर्डिंग लिखते थे कि किधर तीर का निशान है, जब तीर ऊपर जा रहा हो तो कोई चेंज नहीं होता है, उसको ऐसे ही लिख देते 12/6, और जब तीर का निशान नीचे हो तो रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, यानी कि x बटे 10, ठीक, जब चिन्ह नीचे हो तो जो वैल्यू है x और 10 वो उल्टा लिखी जाएगी, 10 और x की वैल्यू, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 6 × 12 यहां से भी x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 दिन, ठीक है। इसमें तीरों का निशान ध्यान रखना पड़ेगा, अभी कंफ्यूजन नहीं हुआ लेकिन घंटे भी आएंगे तो लंबा पड़ेगा, ये मेथड अच्छा है, इसमें तीर का निशान ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, m1 d1 h1 upon w1 m2 d2 h2 upon w2, h है नहीं इसलिए h को हटा दिया सीधे सीधे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कह रहा है 12 पुरुष 1/3 काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, इसी काम को 16 पुरुष कितने दिनों में कर लेंगे। अब यहां देखिए 1/3 काम है तो w1 की वैल्यू, अगर मैं मान लेता हूं कुल कार्य मेरे पास w है तो कह रहा है 1/3 काम, तो w1 कितना है, 1/3 मतलब w का 1/3, ठीक है, टोटल m1 कितने दे रखे हैं, 12 पुरुष, ठीक, और कितने दिनों में कर रहा है, d1 बराबर 8 दिन। w2 भी देख लेते हैं, उसी कार्य को है, मतलब यहां पूरा कार्य पूछा है तो w2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, w, ठीक है, यहां 1/3 इसलिए किया क्योंकि 1/3 काम को वो कर रहे हैं, तो 1/3 काम 12 पुरुष 8 दिन में कर रहे हैं, तो w2 उसी काम को, तो उसी काम का मतलब पूरे कार्य को, ठीक है, पूरे कार्य को, इसलिए w2 को हम w लेंगे, 16 पुरुष, m2 है अपने पास 16, d2 की वैल्यू पूछ रहा है, सीधे सीधे फॉर्मूले में रख देंगे हम, m1 d1 upon w1, यानी कि 12 × d1 यानी कि 8 अपॉन w1 यानी कि 1/3 w बराबर अपने पास आ जाएगा m2 d2, 16 × d2 की वैल्यू पूछ रहा है, कार्य वही है, पूरा कार्य है लेकिन w, तो w से w उड़ा देंगे, ठीक है, तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 × 8 × 3, क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर के न्यूमरेटर, यानी कि नीचे का हर ऊपर के अंश में मल्टीप्लाई हो जाता है, यहां हर नहीं है तो हम 1 मान के चलेंगे, ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा इतना, इधर हो जाएगा 16 × d2, सॉल्व कर लेंगे इसको, 16 को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 16 नीचे, 8 × 16 फिर 2 × 6, तो 6 × 18, d2 कितना है अपने पास, 6 × 18 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे कुल कार्य को, ठीक है, 16 पुरुष 18 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह आप m1 w1 h1 वाले फॉर्मूले से आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे कार्य 1/3 1/3 दे रखा हो, 3/4 दे रखा हो, ठीक है, आधा काम दे रखा हो, तो w की वैल्यू 1/2 रख दीजिएगा, ठीक है, पूरा कार्य पूछे तो इस तरह निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हो आधा कार्य 5 दिन में कर रहे हैं तो 3/4 कर रहे हैं, तो w1 हो जाएगा 1/2 और w2 हो जाएगा अपना 3/4, ठीक है, वैल्यू वही रखेंगे सेम फॉर्मूले से, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, आपको और आसानी से समझ में आएगा, सिंपल मेथड है मेरा बहुत। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, हाई लेवल का, थोड़ा अच्छे लेवल का है। एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, परंतु पुत्र के सहयोग से उसने उसी कार्य को 8 दिन में वो समाप्त कर लिया, तो पुत्र कितने दिनों में वह कार्य कर लेगा, ठीक है। बेसिक मेथड वही हमने स्टार्टिंग में किया था, ये मान लेता हूं मैं व्यक्ति और यहां बच्चा उसका पुत्र, ठीक है, व्यक्ति और पुत्र, ठीक है, दोनों का निकालेंगे, व्यक्ति का हम क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति 10 दिन में कर लेता है, ठीक है, और दोनों मिलके पुत्र प्लस व्यक्ति कितने दिनों में कर लेते हैं किसी कार्य को, 8 दिन में, इनका एलसीएम निकालेंगे हम, आएगा 80, ठीक है, एक दिन का काम निकालिए व्यक्ति का, 10 से 8 80 भाग देंगे तो 8 बार, 8 से 80 भाग देंगे तो 10 बार, ठीक है, तो व्यक्ति का
एक दिन का कार्य कितना है बराबर 8 काम वो एक दिन में कर लेता व्यक्ति। अब दूसरे में देखिए, पुत्र प्लस उसी व्यक्ति का एक दिन का कार्य कितना है 10। ठीक है, यहां से देख सकते हैं पुत्र प्लस व्यक्ति का है 10 दिन 10 काम और व्यक्ति का एक दिन का काम है 8 काम, मतलब एक दिन में वह कार्य का 8 और यह 10 कर लेते दोनों मिलकर। ठीक है, अब देखेंगे इसमें यदि मैं इस वाली इक्वेशन में से इसको घटा दूं तो पुत्र का आ जाएगा क्योंकि पुत्र प्लस व्यक्ति है, तो इस वाली इक्वेशन में से इसको घटाएंगे तो पुत्र का एक दिन का कार्य निकाल लीजिए कितना आया। समझ में आ रहा होगा, सिंपल है, व्यक्ति का है और हमें पुत्र और व्यक्ति का कार्य दे रखा है, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद व्यक्ति का कार्य एक दिन का आगे 8 और पुत्र और व्यक्ति का एक दिन का कार्य कितना आगे 10। ठीक है, तो व्यक्ति एक दिन में 8 कार्य कर लेता है, पुत्र और व्यक्ति मिलकर दोनों 10 कार्य कर लेते हैं। ठीक है, एक दिन में, तो अब पुत्र का जब पूछ रहा है तो पुत्र का एक दिन का कार्य कितना आएगा दोनों का मिलके माइनस पिताजी का माइनस कर देंगे यानी व्यक्ति का माइनस कर देंगे, तो 10 माइनस 8 कितना कार्य कर लेगा पुत्र एक दिन में 2। ठीक है, एक दिन में 2 कार्य कर रहा है तो पूरे काम को कितना कार्य दिनों में कर लेगा, पूरा काम अपने पास ये होता है यानी कि टोटल काम अपने पास कितना है 80, एक दिन में कर रहा है 2 तो दिन कितने आ जाएंगे, टोटल दिनों में कितना कर लेगा, कितने दिनों में कर लेगा टोटल काम बटे एक दिन का पुत्र का काम कितना आ गया 40 दिन। है सिंपल मेथड, कुछ नहीं करना है, लिखने इसलिए लिख रहा हूं मैं, समझ में आ जाए आपको, फ्लो चार्ट से आसानी से समझ में आ जाए क्वेश्चन, अगर एग्जाम में करेंगे तो फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं, सीधे एलसीएम लीजिएगा, भाग दीजिएगा, एक एक दिन का कार्य निकालिएगा, पुत्र का एक दिन का कार्य निकालिएगा माइनस करके। ठीक है, टोटल काम में उस पुत्र के एक दिन के कार्य का भाग दे देंगे तो अपने पास टोटल उस पुत्र द्वारा किए गए दिनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो 40 दिन में पुत्र जो है कार्य कर लेगा अपना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरह ही करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, M1D1 वाले फॉर्मूले पे आसानी से आपको देख के पढ़ के समझ में आ जाएगा। ए किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिनों में पूरा करता है तो कुल कार्य क्या मानेंगे हम, W, तो W1 कितना आ जाएगा टोटल काम का, वो कितना भाग कर रहा है 3/4। ठीक है, सीधे सीधे कितने दिनों में पूरा कर रहा है 12। ठीक, अब वो कह रहा है नेक्स्ट लाइन में कितने दिनों में 1/8 भाग कर लेगा। ठीक है, तो W2 कितना है कुल कार्य का 1/8 यानी कि W, और कितने दिनों में D2 पूछा है, व्यक्ति सेम है, पहले भी A ने किया था दूसरी बार भी A ने किया था, पहले व्यक्ति कितने थे M1 यानी एक व्यक्ति था A, M2 की वैल्यू कितनी थी 1। ठीक है, फॉर्मूले में रखेंगे M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। ठीक है, फॉर्मूले में सीधे सीधे फॉर्मूले में सारी की सारी चीजें रखते जाइए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, W1 की वैल्यू है 3/4W इंटू डी लग रहे हैं 12, व्यक्ति 1, सॉरी M1 उल्टा लग गया, M1 है अपने पास 1, डी कितने हैं 12, कार्य कितना कर रहा है वो 3/4W बराबर, इसके बाद जो आएगा M2 कितना है, व्यक्ति वही है सेम 1, D2 पूछ रहा है अपन से और W2 है 1/8। ठीक है, तो W से W उड़ा दीजिए, यहां पर आएगा 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे रहेगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 12 × 48 नीचे 3 बराबर, इसमें भी 8 ऊपर जाएगा तो 8D2, सीधे सीधे सॉल्व करेंगे इसको तो D2 की वैल्यू आ जाएगी 48/3×8, तो 8 × 48 और ये अपने पास आ जाएगा 3×6, तो 2 दिन 1/8 भाग को वो कितने दिनों में कर देगा 2 दिन। सिंपल तरीका है इसको, आसानी से और सीधे सीधे फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, क्वेश्चन तो सारे अच्छे हैं, ये थोड़ा अच्छे लेवल का है। ठीक है, तो इसको करेंगे, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में ए किसी कार्य को 5 दिनों में, ठीक है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, उन दोनों ने 7 में काम शुरू किया लेकिन 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, यहां छोड़ने वाला भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा किस तरह क्वेश्चन करते हैं, तो कुल कितने दिनों में पूरा काम हुआ। ठीक है, ए
और बी सीधे सीधे जैसे हम करते आ रहे हैं पांच दिन, ठीक, पांच को यहां लिखेंगे, दस को यहां लिखेंगे, दोनों का एलसीएम कितना है दस, एक दिन का काम पांच दूनी दस, इसका एक दिन का काम एक, ठीक है। अब वो कह रहा है ए का एक दिन का काम अपने पास कितना आया, ए का एक दिन का बराबर आया दो काम कर लेता है, बी एक दिन में कितना कर लेता है एक काम। वो कह रहा है तीन दिन बाद बी ने काम छोड़ा, लेकिन तीन दिन तक तो दोनों ने सातवें काम स्टार्ट किया होगा, काम किया होगा, ठीक है। तो दोनों का एक दिन का टोटल काम निकाल लीजिए, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, कुछ नहीं करना है एक दिन के कार्य के लिए, ए का एक दिन का कार्य प्लस बी का एक दिन का कार्य, टोटल कितना आया तीन काम दोनों मिलकर कर लेते हैं। तीन दिन में कितना किया गया होगा, ए प्लस बी का एक दिन का निकाल लिया, तीन दिन का काम क्या आ जाएगा, टोटल एक दिन का काम इनटू दिनों की संख्या, कितना काम कर लेंगे दोनों तीन दिन में, नौ काम, ठीक है। यहां पर समझिए नौ काम वह मिलके कर लेते हैं तीन दिनों में, ठीक है। टोटल काम कितना है अपने पास दस, तो बचा काम कितना आएगा, बचा हुआ काम बराबर, बचा हुआ काम कितना आ जाएगा अपने पास, तो बचा हुआ काम आएगा अपने पास टोटल काम माइनस तीन दिन में किया काम, एक काम इनके पास बचा है। अब एक काम जो है वो कौन कंप्लीट करेगा, बी तो छोड़ के चला गया, अब बचेगा ए के पास, ठीक है। तो ए द्वारा बचा काम करने के लिए कुल दिन कितने दिनों में किया उसने, एक दिन का काम है दो, तो एक काम करना है उसको, तो कुल काम बटे एक दिन का काम, तो आधा दिन और उसको लगेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कुल काम कितने दिनों, मतलब काम जो है बचा पूरा काम जो है पूरा काम, तो पूरा काम कितने दिनों में काम होगा, पूरा काम के लिए दिन, ठीक है। तो तीन दिन में क्या किया था दोनों ने, नौ काम, ठीक है, बचा अपने पास दस काम, तो दस काम कितने दिन में किया ए ने, आधे दिन में, ठीक है। ए और बी द्वारा किए कामों में दिनों की संख्या, ठीक है, और बचे हुए काम को ए द्वारा, तो पूरा काम करने के लिए कुल दिन कितने लगेंगे अपने पास, तीन सही एक बटे दो दिन, यानी कि साढ़े तीन दिनों में कुल काम हुआ, ठीक है। कुछ नहीं करना है इस तरह के क्वेश्चन में, आपको मेथड बताया मैंने बहुत सिंपल तरीके से, क्या दोनों का एक दिन का काम निकाल लीजिए, एक दिन के काम के बाद दोनों का एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे वो निकाला, अब इसके बाद क्या किया ए प्लस बी, अब वो कह रहा तीन दिन बाद काम छोड़ दिया बी ने, तो ए प्लस बी ने साथ में तो तीन दिन तक किया, तो तीन दिन का काम निकाल लेंगे दोनों का नौ, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ काम कितना बचा अपने पास, टोटल काम था दस, तीन दिन का काम माइनस करेंगे तो बचा हुआ काम एक, ठीक है। अब जो बचा हुआ काम है बी तो छोड़ के चलेगा, कौन कंप्लीट करेगा ए, ए के पास एक दिन में कार्य कितना कर रहा था वो दो काम, तो एक काम को कितने दिन में कर लेगा वो, एक काम है एक काम को कितना एक बटे दो, ठीक है। बचा हुआ काम एक है, ठीक, ए द्वारा बचा काम करना आधा दिन और लगेगा, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ, टोटल तीन दिन काम किया साथ में, बचे हुए काम के दिन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल दिनों की संख्या आ जाएगी। इसी पर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं। चलिए देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, देख लेते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 व 20 दिनों में करते हैं, वह काम साथ में शुरू करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के 5 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, ठीक है। इसमें उल्टा है, उसमें स्टार्ट होने के बाद, इसमें काम खत्म होने से पहले, ठीक है, उल्टा दिया हुआ है, तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। दोनों का लिख लीजिए एक दिन का, ए और बी, ये 30 दिन में कर रहा है ये 20 दिन में, तो एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 60, एक दिन का काम आ जाएगा इसका 3 दूनी 6, और इसका एक दिन का काम आ जाएगा 20 दिया 60, यानी कि एक दिन में ए करता है दो काम और बी करता है तीन काम, ठीक है। टोटल काम अपने पास कितना है, टोटल काम का जरूर ध्यान रखिएगा 60, ठीक है। अब वो कह रहा है 5 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको पढ़ेंगे, 5 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, अब हमें पता नहीं कितने दिनों में काम खत्म हुआ है, ठीक है। तो 5 दिन बाद
पांच दिन पहले, ठीक है, तो पांच दिन पहले यानी बचे हुए पांच दिन में केवल कौन काम करेगा, बी वो ए, ठीक है, तो बचे हुए दिन अपने पास है पांच, उसमें केवल कौन काम करेगा, ए, क्योंकि बी तो काम छोड़ चुका है, तो पांच दिन में, पांच दिन पहले, काम खत्म होने के पांच दिन पहले तक केवल कौन काम करेगा, ए, लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है, पॉइंट अच्छा है, पांच दिन पहले तक केवल ए काम करेगा, तो ए का काम निकाल लेंगे पांच दिन के, तो ए का पांच दिन का काम निकाल लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, ए का पांच दिन का काम हो जाएगा, ए का एक दिन का काम है अपने पास दो, ठीक है, मल्टीप्लाई टोटल पांच दिनों में कितना, बराबर दस काम, टोटल काम साठ है अपने पास, पांच दिनों में, लास्ट के पांच दिनों में ए ने काम किया तो कितना काम कर लिया, दस काम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें बचा हुआ काम कितना है अपने पास, बचा काम बराबर टोटल काम साठ माइनस बचे पांच दिनों में ए का काम दस, तो बचे हुए काम कितना है, पचास। अब ये कौन करेगा, अब क्योंकि हम पांच दिन का काम ए का निकाल चुके हैं, पांच दिन से पहले दोनों ने साथ में किया था, ये दोनों मिलकर करेंगे, ये ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है, अब ए प्लस बी इस पचास काम को कितने दिनों में कर लेंगे, तो लिखेंगे इसको कुल दिन बराबर बचा हुआ काम बटे दोनों का एक दिन का काम, दो प्लस तीन बराबर हो जाएगा अपने पास पांच, ठीक है, तो कुल दिन कितने लगे अपने पास, सीधे सीधे आ जाएगा दस दिन, ठीक है, ठीक, तो दस दिन जो है ये दोनों ने मिलकर सात काम किया, ठीक है, और पांच दिन तक ए ने अकेले किया, तो कुल कितने दिन लगे, वो कुल कितने दिन पूछ रहा है, कुल दिन बराबर दोनों के सात के दिन प्लस पांच दिन किसने किया, केवल ए ने, पांच दिन ये भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल काम पंद्रह दिन में हुआ, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल मेथड है, ठीक है, एक बार समझ लेते हैं, ए और बी किसी काम को तीस बार बीस दिन में, दोनों का एक दिन का काम निकाल लिया, टोटल काम निकलिए, ठीक है, अब वो कह रहा पांच दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो पांच दिन पहले वाला जो है, पांच दिन जो बचे हुए लास्ट है उसमें कौन काम करेगा, केवल ए, तो ए का पांच दिन का काम निकाल लिया हमने, दस काम कर लेता है, ठीक है, एक दिन का काम है दो, तो पांच दिन में हो जाएगा दस काम, टोटल काम है अपने पास साठ, ठीक है, इस साठ काम को अगर हम साठ काम में से ए का काम घटा दे पांच दिन का, तो बचा हुआ काम आ जाएगा, लेकिन ये बचा हुआ काम कब, दोनों ने साथ में किया था, ठीक है, तो पचास काम को दोनों ने साथ में किया, तो पचास काम को करने में कुल कितने दिन लगे ए और बी को, वो कैसे निकालेंगे, दोनों का एक दिन का काम ऐड करिए, दो और पांच को ऐड, दो और तीन को ऐड किए पांच, तो कुल दिन आ जाएंगे अपने, पचास काम को दोनों का एक दिन के काम में का भाग दे देंगे, तो आ जाएंगे दस दिनों में दोनों ने वह काम किया, ठीक है, अब पूछ रहा है टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो पांच दिन तो जो है इन अकेले काम किए वो ऐड करेंगे, और दोनों के साथ के दिन भी ऐड कर देंगे, तो टोटल काम कितने हुआ, पंद्रह दिन, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और करेंगे, तो ये कंसेप्ट भी आपके समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्किंग टाइम को आगे बढ़ाएंगे और थोड़े हायर लेवल पे और जाएंगे, ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, धन्यवाद।